आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी सुनील के साथ। मनीष कुछ दिन से काम की तलाश में था और आखिर उसे एक काम मिल भी गया। काम था रात को शमशान घाट में चौकीदारी करना। मनीष शाम को अपने टाइम से काम पर आ जाता है। रात हो जाती है, मनीष शमशान के बाहर अपने रूम में सो रहा था। रात को अचानक कोई मनीष के रूम का दरवाजा खटखटाता है। मनीष उठ के दरवाजा खोल के देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। मनीष रूम से बाहर निकल के देखता है तो उसे चारों तरफ कोई दिखाई नहीं देता सिवाय एक चीज के, शमशान में एक खामोशी। मनीष पलट के अंदर आने ही लगता है कि वो खामोशी टूट जाती है और मनीष को एक आवाज सुनाई देती है। शमशान में कुत्ते भौंकने लगते हैं। मनीष आवाज के पीछे जाता है पर चारों तरफ उसे कोई दिखाई नहीं देता। रोने की आवाज रुक जाती है। मनीष वापस अपने रूम में आके बैठ जाता है और खिड़की से पूरे शमशान पर नजर रखने लगता है। कुछ देर बाद मनीष को कुछ दूरी पर अंधेरे में एक हलचल दिखाई देती है। वो वापस शमशान के अंदर जाके देखता है। मनीष को सामने चिता पर बैठी एक औरत दिखाई देती है। मनीष उससे बोलता है, हे कौन हो तुम और क्या कर रही हो यहाँ पर? वो औरत चुपचाप मनीष की तरफ देखती रहती है। अचानक मनीष के पीछे उसके कानों से एक आवाज गुजरती है। मनीष तुरंत पलट के देखता है पर वहां कोई नहीं होता। मनीष तुरंत आगे देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मनीष अभी अभी जिस औरत से बात कर रहा था वो वहां थी ही नहीं। मनीष के सर से पसीना बहने लगा और पलट के बस चुपचाप अपने रूम की तरफ आने लगा। कुछ कुत्ते मनीष के पीछे देख के भौंकने लगते हैं। मनीष को अपने पीछे पीछे एक आवाज सुनाई देने लगी। पायल की छनकार सुन के एकाएक मनीष के कदम रुक जाए थे और इसी के साथ पायल की आवाज भी रुक गई। मनीष पीछे पलट के देखता है तो वह औरत फिर वहीं बैठे मनीष की तरफ देख के हंसने लगती है और मनीष वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। सुबह मनीष की आंख खुलती है। मनीष चारों ओर देखता है तो सिर्फ एक सन्नाटा दिखता है। मनीष तुरंत उठ के शमशान से बाहर आकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर मनीष ठान लेता है कि आज दोबारा वहां नहीं जाना, नहीं करनी ये नौकरी। दिन बीत जाता है। रात होते ही मनीष सोने लगता है और उसके घर का लैंडलाइन बजता है। मनीष फोन उठा के कहता है, हेलो, तो सामने से आवाज आ जाती है, तेरा फोन यहीं रह गया, आजा। और फोन कट जाता है। मनीष सब जगह देखता है पर उसे फोन कहीं नहीं मिलता। अब एक तरफ मनीष का डर और दूसरी तरफ मनीष की गरीबी। मनीष की आर्थिक स्थिति इतनी भी सही नहीं थी कि वो दूसरा फोन खरीद सके।
मनीष किचन में जाता है और सीधा वहीं शमशान पहुंच जाता है। मनीष को जरा सी दूर अपना फोन पड़ा हुआ दिखाई देता है। ना चाहते हुए भी मनीष गेट खोल के शमशान के अंदर अपने कदम रखता है, धीरे धीरे फोन की तरफ बढ़ता है। मनीष फोन के पास पहुंच के अपना फोन उठाता है और जैसे ही फोन उठाता है उसे वही औरत वही चिता पर बैठी दिखाई देती है और वो औरत मनीष पर जैसे ही हमला करती है। मनीष तुरंत अपनी जेब से माचिस निकाल के चला लेता है और माचिस चलाने के साथ ही औरत गायब हो जाती है और मनीष भाग के शमशान से बाहर आ जाता है। बाहर आके मनीष शमशान की तरफ देखता है, वहां से उसे आवाजें सुनाई देने लगती है। मनीष के दिल में डर इतना कि घर तक पहुंचते हुए मनीष पूरे रास्ते माचिस की एक एक तिल्लियां चलाता हुआ जाता है। दरअसल रात को उस शमशान में आकर कुछ तांत्रिक विद्याएं सीखते थे और इन्हीं चीजों को रोकने के लिए गांव के सरपंच ने ही मनीष को वहां चौकीदारी का काम सौंपा था। मनीष रात को फिर शमशान जाने से पहले उसी सरपंच से फोन पे बात करके उसे सारी बात बताता है। सरपंच ने ही मनीष को माचिस साथ ले जाने को बोला था क्योंकि भूत प्रेत आत्माएं गंदी हवाएं चुड़ैल ये सब आग से दूर रहते हैं, इसलिए मनीष पहले किचन से माचिस उठाता है और फिर सीधा शमशान निकल जाता है और उसी वजह से मनीष जिंदा अपने घर वापस लौट आता है।